सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम इंजीनियर बीपी शाक्य। मैंने आपके लिए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से लेकर उनके जीवन में विभिन्न घटित घटनाएं व उन्होंने मानव कल्याण के लिए क्या क्या विचार व्यक्त किए, क्या क्या आध्यात्मिक जीवन से परिचय कराया, उनकी रूपरेखा मैं समझता हूँ कि गागर में सागर भरने का काम मैं करूँ। मैंने उनके विभिन्न पहलुओं को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करके एक जगह उसको संग्रहित किया है और आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें मेरा सहयोग मेरी बड़ी सुपुत्री आर्किटेक्ट रजनी शाक्या ने सहयोग किया है, मेरे सुपुत्र रजत शाक्या जो मास्टर इन डिज़ाइन कर उन्होंने भी सहयोग किया है, छोटी सुपुत्री इंजीनियर दीपशिखा शाक्या जो बीटेक कर रही हैं उन्होंने सहयोग किया है, और मेरे को इस कार्य के लिए प्रेरित किया है मेरी धर्मपत्नी गीतांजलि शाक्या जी ने। अभिरुचि सामाजिक चिंतन है मेरा। संदर्भ यह है कि विभिन्न मेरे पास उपलब्ध पुस्तकें, पत्रिकाएं, इंटरनेट की मदद से मैंने बहुत सारा मटेरियल आपके लिए एकत्रित किया, उसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इसके बाद मैं हम आते हैं इनके कुल खानदान या परिवार पर। तो तथागत गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जी एक राजशाही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता का नाम शाक्य शुद्धोधन एवं वंश और काक वंश है। सॉरी, इनकी माता का नाम कोली महामाया या कहीं कहीं पर माया देवी भी आया है। इनकी मौसी का नाम कोली महाप्रजापति हैं। ये दोनों आपस में बहनें थीं, माता महामाया जी व माता महाप्रजापति हैं। सिद्धार्थ जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन, जो उस जगह का नाम है रुक्मिणी, जो आजकल नेपाल में वहाँ हुआ था। ऐसी कथा प्रचलित है कि पुरातन में अभी भी कहीं कहीं यह प्रचलन में है कि जब लड़की को पहला प्रसव होता है या बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने मायके में ही जाती हैं। तो उसी प्रचलन के हिसाब से महामाया जी अपने मायके नेहर जा रही थीं, तो वहीं पर लुम्बिनी वन के जंगलों में उनको प्रसव पीड़ा हुई और सिद्धार्थ जी को जन्म दिया। सिद्धार्थ जी का जन्म हुआ और उनकी शादी भी 16 साल की उम्र में हो गई थी। उनकी शादी यशोधरा जी से हुई थी। वह दंडपाण जो कोली राजा थे उनकी लड़की थी, उनके साथ हुई थी। उनके एक सुपुत्र भी हुआ था, उनका नाम राहुल था। जन्म के बारे में सटीक जानकारी के लिए मौर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा अभिलिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह और इस पर उत्कीर्ण है के हिते बुधे जाते शाक्य मुनि, यहाँ पर शाक्य मुनि उत्पन्न हुए थे। हिते भगवा जाते, यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यह एक प्रमाण है जो रुक्मिणी लुम्बिनी में गांव है वहाँ पर ये आज भी स्थित है। जब सिद्धार्थ जी का जन्म हो गया तो राजपाट में बहुत खुशी थी। राजा भी शुद्धोधन साहब या उनका राजपाट पूरे राज्य में बहुत खुशी थी। अब पाँचवें दिन जब उनका नामकरण संस्कार होने की बारी आई थी तो राजमहल में खुशियाँ बधाइयाँ के गीत बज रहे थे और वहाँ पर महाज्ञानियों को इकट्ठा किया गया था, जिनमें जो महाज्ञानी थे दो, एक श्रीमान कालदेवल, दूसरे कौंडिन्य जी। उन्होंने उस बालक, उस राजकुमार, उस सिद्धार्थ जी को देखते ही, उनके चेहरे की चमक देखते ही उनको आभास हो गया
और महाप्रतापी राजा शुद्धोधन से बोले, हे राजन, यह आपका राजकुमार एक महाप्रतापी राजा बनेंगे या फिर कोई आध्यात्मिक बहुत बड़े गुरु बनेंगे जिन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। महाज्ञानियों के यह भविष्यवाणी सुनकर राजा थोड़ा व्यथित हुए, चिंतित हुए कि ये क्या है, ये राज परिवार में ऐसा क्या होने जा रहा है। तो इसी तारतम्य में महाराजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ जी को सभी सांसारिक क्लेशों से दूर रखने की कोशिश करी और उनका लालन पालन, क्योंकि जब सिद्धार्थ जी का जन्म हुआ था पाँचवें दिन उनका नामकरण संस्कार हो गया, सातवें दिन उनकी माता महामाया या माया देवी जी का निधन हो गया था। तो उसी समय महामाया या माया देवी माता ने अपनी बहन महाप्रजापती को बोला कि मैं तो जा रही हूँ इस नन्हे राजकुमार सिद्धार्थ की देखभाल या लालन पालन आपको ही करना है। तो इस प्रकार से उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापती गौतमी जी ने किया। विरक्ति अशांति, अब सिद्धार्थ गौतम जी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, कौमार्यवस्था में आ रहे थे, तो उनको जो भी शिक्षा दीक्षा होती हैं, शिक्षा दीक्षाएँ दी जा रही थी, जैसे घुड़सवार सवारी, तलवार चलाना, जो भी राजपाठ की चीज़ें होती हैं वो सिखाई जा रही थी। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ का कहीं भी मन नहीं लग रहा था, वो हमेशा विरक्त रहते थे, बेचैन अशांति छा रही थी। तो इसी के तहत महाराजा ने उनकी भोगविलास की सभी चीज़ें राजमहल में एकत्रित कर दी थी कि जिनसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, जिससे इनकी विरक्तता नहीं बढ़े। एक कहावत है या प्रचलित है ऐसा कि बसंत ऋतु को समय सिद्धार्थ जी बगीचे की सैर पर निकले थे तो पहली बार उनको सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो देख के उसकी जरा शरीर को देख करके थोड़ा व्यथित विचलित हो गए थे। दूसरी बार उनकी आंखों के सामने एक रोगी गया, रोगी की शक्ल कैसी होती है हम समझ सकते हैं, सब लोग जानते हैं, तो अधीरता मन में उत्पन्न हुई। तीसरी बार कहते हैं कि उन्होंने एक अर्थी देखी, अर्थी देखी तो आदमी उस पर लेटा हुआ था और सब परिवारजन और रिश्तेदार लोग रोते गाते जा रहे थे। तो उनके मन में बहुत ही व्याधि उत्पन्न होने लगी, बेचैनता आने लगी। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी दिखाई पड़ा जो संसार की सारी भावना और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी देखा उनको, तो सिद्धार्थ जी को उस सन्यासी ने आकर्षित किया। उन्होंने सोचा कि जीवन में यही अवस्था सबसे अच्छी जान पड़ती है। अब सिद्धार्थ जी का गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में हुआ था। जब घर से निकलते हैं, गृह त्याग कई तरह के होते हैं, जब किसी महान कार्य के लिए घर से अपन या कोई जाता है तो उसको बौद्ध धम्म की परिपाठी में या उनके साहित्यों में या बौद्ध धम्म में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जी के जो पहले गुरु थे आलार कलाम साहब थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, आलार कलम के बाद दूसरे इनके गुरु थे राजगिरी के रुद्र करामपुत से शिक्षा ली। वहीं जे तपस्या कर रहे थे अपने आसन लगा के, तो कुछ महिलाएं गीत गाते हुए जा रही थी वहाँ से। उन गीतों के बोल ऐसे थे कि सिद्धार्थ जी के कानों में जैसे ही पड़े तो इस प्रकार हैं, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, पर तारों को इतना कसो भी मत के भी टूट जाएं। अब सिद्धार्थ जी समझ में आया कि इतना ढीला ही मत छोड़ो और इतने कसो भी मत के टूट जाएं। तो उन्होंने सोचा कि जीवन का जो चक्र है इसको मध्यम में रखा जाए तभी हर चीज़ सही रहती है। तो तभी से उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग अपनाया है, उस वीणा के तारों की तरह ना ढीले छोड़ो ना ज़्यादा कसो, और मध्यम मार्ग ही, इसलिए उस समय या बौद्ध साहित्य में मध्यम मार्ग उन्होंने अपनाया ऐसा कहा जाता है।
ज्ञान प्राप्ति उनको 35 वर्ष की आयु में जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और समाधि में बैठे थे, आराधना में बैठे थे, ऐसा ऐसी कथा चरितार्थ है कि सुजाता की खीर खाने की रात ही सिद्धार्थ जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त हुआ। उस दिन सिद्धार्थ जी बुद्ध बन गए। सुजाता जी की कहानी को मैं आगे थोड़ा विस्तार में बताऊंगा, जिसे बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण अथवा बोधिसत्व कहा जाता है। प्रथम उपदेश, तथागत गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और तथागत गौतम बुद्ध साहब ने अपने जितने भी उपदेश थे सभी लोकली भाषा, वहाँ की स्थानीय भाषा उस समय की पाली भाषा में दिए थे। तथागत गौतम जी बुद्ध साहब के उपनाम भी हैं, तो उनमें से कुछ मैं उपनाम आपको अवगत कराना चाहूँगा। भारत का प्रकाश पुंज भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, शाक्यमुनि से लिखा था, कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य वंश में पैदा हुए थे। बुद्ध, तथागत, बोधिसत्व, जो सुजाता ने खीर खिलाई थी उसकी कहानी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि सुजाता ने कुछ मन्नत मांगी थी उस पीपल वट वृक्ष के यहाँ पर जाके कि जब मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं यहाँ पर खीर चढ़ाऊँगी। तो सुजाता माता वहाँ पर खीर चढ़ाने के लिए आई थी। जब पहले आई थी तो कुछ नहीं था वहाँ पर, जब ये खीर चढ़ाने आई तो वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध अपनी समाधि अवस्था में बैठे थे और सुजाता माता ने समझा कि साक्षात जो भी हैं उनसे मन्नत मांगी थी वो प्रकट हो गए और मैं इनको खीर खिला देती हूँ। तो उन्होंने इनको खीर खिलाई और बोला कि जो भी हैं जैसे मेरी मन्नत पूरी हुई है आपकी मन्नत पूरी हो। तो उसी रात को सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस वृक्ष के नीचे, वह पीपल का पेड़ वृक्ष था, बट वृक्ष था, तभी से उस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष पड़ गया और उस एरिया का नाम बोध गया पड़ गया। धम्मा, धम्मा क्या है? तथागत गौतम बुद्ध साहब के अनुसार धम्मा जिसमें लोक कल्याण की भावना निहित हो वही धम्म है। जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, तत्व ज्ञान से पूर्णता होनी चाहिए, तृष्णा का त्याग करना है, इसके साथ ही निर्वाण भी प्राप्त करना है। और प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के जो लेख हैं उनमें धम्म की परिभाषा कुछ इस तरह है, दूसरे व सातवें स्तंभों लेखों में इस प्रकार के, धम्म है साधुता, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करना, मित्रों परिचितों संबंधितों के प्रति उचित व्यवहार, दास तथा भक्तों के प्रति उचित व्यवहार, वहाँ पर कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं है, होना चाहिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तीसरे शिलालेख में सम्राट अशोक साहब ने जो उल्लिखित किया वो इस प्रकार के, अल्प व्यय और अल्प संग्रह भी धम्म में आता है। अब लाइट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं, थोड़ा पहले बताया था, अब थोड़ा अपन डिटेल में जाते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं तथागत गौतम बुद्ध और एक महान समाजक सुधारक, समाज सुधारक इसलिए कह सकते हैं कि उस समय जो भारत में पाखंडवाद, अंधविश्वास जो फैला हुआ था उसको मिटाने के लिए उन्होंने इस राह पर चलना ही उचित समझा। क्योंकि जब मैं जाऊंगा तभी लोग मेरे पीछे पीछे जाएंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं, एक महान समाज सुधारक भी हैं तथागत, इसलिए कहते हैं तथागत मतलब होता है कांकर व्यक्ति जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली हो, मतलब सभी मोह माह तृष्णा से तृप्ति हो गए हैं। बोधिसत्व एनलाइटनमेंट, एक प्रकाश, शाक्य मुनि भारत के महान दार्शनिक भी कहते हैं इनको, वैज्ञानिक भी कहते हैं, महान वैज्ञानिक, धम्म गुरु, धम्म उपदेशक, मार्गदाता, टीचर, धम्म गुरु इत्यादि, इसलिए उनको लाइट ऑफ एशिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है।
अब लाइट ऑफ एशिया का और भी मतलब होता है, मतलब जो विदेशों में अपन विदेशों में अपना जो नाम है भारत का, वो लाइट ऑफ एशिया की वजह से तथागत गौतम बुद्ध की वजह से। जैसे कि बुद्ध इस भारत की आत्मा है, बुद्ध को जानने से भारत भी जाना जा सकता है। बुद्ध को जानना अर्थात धम्म को जानना है। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मैंने आपके लिए यह पूरा संग्रहण बड़ी मेहनत से एकत्रित किया है। बहुत सारी पुस्तकों पत्रिकाओं का मैंने अध्ययन करके कहाँ से कौन सा पाठ लाना है। तो अगर जी आपको पसंद आ रहा हो, मैं आपके से निवेदन करता जाऊँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे इसमें क्या और सुधार करने की गुंजाइश है वो मैं कर दूँगा। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं भूलें क्योंकि मैं अगला जो वीडियो बना रहा हूँ तथागत गौतम बुद्ध या अन्य वीडियो जो बना रहा हूँ उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अभी तक मैंने जितने भी वीडियो देखे उनमें तथागत गौतम बुद्ध साहब के जो 32 लक्षण महापुरुषों पुरुष लक्षण जो 32 महापुरुष लक्षण हैं उनके बारे में शायद मैंने तो कोई वीडियो अभी तक देखा नहीं है। हो सकता है मेरी उसमें नहीं आया होगा, तो उसके बारे में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में 32 महापुरुष लक्षण थे। अब ऐसे बताऊँगा बहुत हो जाएंगे, मतलब एक से लेके कुछ हैं, जैसे पांव के तलवे समतल हैं, इस वीडियो में पूरे बता रहा हूँ। हाथों और पांव की उंगलियां लंबी थीं, हाथ पांव की मृदुल कोमल तरुण थे, और जिनकी जो छठवें नंबर पे आता है हाथों पांव की उंगलियों के बीच में जो त्वचा होती है वो जुड़ी हुई थी, जैसे हंस बतख आदि के पंजों में होते हैं। इस प्रकार से उनके एड़ी मतलब मृग जैसी उनकी एड़ी थी, आठवें नंबर का है जी, अजानु बाहु इतनी लंबी भुजाएं थी कि सीधे खड़े हो जाने पर घुटनों तक आ जाती थी, ऐसे अपन के, लेकिन वो घुटनों तक उनके हाथ आ जाते थे। त्वचा कंचन वर्णी थी 11वें नंबर पे। इस प्रकार से यहाँ 9 से 16 तक गुण हैं, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। शरीर लंबा था 16वें नंबर पे, दोनों हाथ दोनों पांव सामने पीछे खड़े होने, धड़ चेहरे सहित मस्तक शरीर सातों अंग विशाल और पूर्ण आकार के थे। और आगे हैं उनके 17वें नंबर पे छाती सहित काया का ऊपरी भाग था। 20वें नंबर पे आता है समान गोलाकार कंधे थे उनके, सिंहानु सिंह के जैसी उनकी ठोड़ी थी। और एक विशेषता ये 23वें नंबर पे आती है, वो है इनके 40 दांत जो भरे पूरे थे। और 24वें नंबर पे आती है दांत आगे पीछे ना होकर के समान पंक्तिबंद में थे। और 25वें नंबर पे दांतों के बीच कोई किसी प्रकार का छेद नहीं, जो गैप होता है गैप नहीं था। दांत अत्यंत शुक्ल थे 26वें नंबर। 27वें नंबर पे बहुत लंबी जीभ थी, नीचे को कहते थे अगर जो ऊपर निकालते तो माथे पे उनकी एक चक्र था, उसको वो लोग मतलब वो छू लेते थे। उनकी आवाज़ करंग के पक्षी जैसी थी, और ये बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वर्ड जी। 29वें नंबर पर उनका गुण है कि अलसी के फूल जैसी सुंदर नीली आँखें थी उनकी, अलसी के फूल। मैं गांव का रहने वाले, मैंने देखे, आपने नहीं देखा हो ज़रूर देखें, तुलसी के फूल बिल्कुल नीलमा लिए हुए होते हैं। 31 और 32 सिर के ऊपर बीचों बीच उठा हुआ जो आप देखते हैं, सिर के ऊपर एक शीर्ष उपशीर्ष होता है, कहते हैं कि पूरा ज्ञान इसी में इसी के कारण था तथागत जी को। त्ररत्न कौन कौन से थे तथागत बुद्ध जी के? पहला है बुद्धम, दूसरा है धम्मम, तीसरा है संगम। तो इसी से यह बना है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ या मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म की शरण लेता हूँ या धम्म की शरण में जाता हूँ। तीसरा रत्न है संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूँ या संघ की शरण में जाता हूँ। तो ये दीज आर 3 ज्वेल्स ऑफ द बुद्ध धम्म। उपदेश उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए? वर्तमान को यह अपना सब कुछ समझें, क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन समझा, संदेह और शक ये आदमी की सबसे बड़े दुश्मन हैं,
खुद पर जीत प्राप्त करना ही जीवन है। सूर्य चंद्र और सच कभी छुप नहीं सकते, मतलब सच्चाई कभी छुप नहीं सकते। उसको इसके तात्पर्य होता है उन्होंने बाहरी पाखंडवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वास से बिल्कुल परे, लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल अच्छी यात्रा, मतलब अच्छा कोर्स होना चाहिए। बुराई को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है, ये इसका मतलब जो होता है। ऐसे अमरपाली जी का उन्होंने उद्धार किया था, अंगुलीमाल का भी उद्धार किया था, वो इसी के अंतर्गत आता है। तथागत जी ने कहा था कि बुराई को कभी बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है। और सबसे बड़ी बात देखो क्या, खुशियों को जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। नमो बुद्धाय। अद्भुत संयोग इसको कह सकते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है वो उनकी तीनों जन्म, निर्वाण और मृत्यु, मतलब जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, उनको निर्वाण प्राप्त मतलब बौद्धत्व की या बौद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, उनकी मृत्यु अथवा बौद्ध धम्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तो ये आज तक या इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं होगा, ये तीनों संयोग तथागत जी को ही प्राप्त हुए हैं कि उनकी जन्म, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, यह एक बहुत ही अचंभित करने वाला महासंयोग है, इसीलिए उनको पूरे विश्व में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म को का प्रचार प्रसार या उनके साहित्य को संजोए रखने के लिए कुछ चीनी यात्रियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसमें पहला नाम आता है फायान साहब का, जिन्होंने यहाँ पर आके बुद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया था। वो नालंदा में मतलब स्टूडेंट भी रहे थे, उसके बाद टीचर भी रहे थे, और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म की जो भी अवशेष या श्रुत लेख या हस्तलिपि जो भी मिली थी उनको सजो कर जे आज भी चीनी साहित्य में उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे आते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग, इन्होंने वही काम किया जैसे फायान साहब ने किया, तो हम इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि हमारा भारतीय साहित्य चीनी साहित्य आर्काइव या वहाँ की आर्कोलॉजी में उपलब्ध है। सर्वप्रिय शिष्य कौन थे, तो इस बारे में कहा जाता है कि आनंद ही सर्वप्रिय शिष्य थे। आनंद कौन थे इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, यह बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में थे एक हैं। सबसे प्रिय यह लगातार 20 वर्षों तक तथागत जी की संगत में रहे, इन्हें गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना जाता है। आनंद जी को तथागत के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ और उनकी स्मरण शक्ति के वो लिए वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा तो बहुत हुए हैं, कुछ कुछ नाम जो है कि यूनानी सम्राट मिलिंद भी इनके अनुयायी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद तो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट ने तो पूरे भारत को बौद्धमय कर दिया था, वो खुद अनुयायी बने, उनकी प्रजा अनुयायी बनी, और इस देश भारत से लेकर विदेशों तक इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी के तहत सम्राट अशोक जी ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। श्रीलंका के राजा तिस्य ने बौद्ध धर्म अपनाया और वहाँ पर महाविहार नामक बौद्ध मठ की स्थापना की। राजा कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर सम्राट अशोक के समान ही उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म की अनुयायी रानियाँ भी हैं, वैसे आगे एक स्लाइड है उसमें अलग अलग समुदाय की भी हैं, इनमें रानी खेमा प्रसिद्ध हैं। और जो यह महाराजा बिंबसार की रानी थी वो बहुत ही सुंदर थी, आगे चलकर कर खेमा रानी बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी। महाप्रजापति जो कि सिद्धार्थ जी या तथागत गौतम जी की मौसी सी थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया, वो भी इनकी उपासिका बनी और बौद्ध धर्म को
प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने खूब अपना तन मन से कार्य किया था। बौद्ध धर्म के प्रचारक तो बहुत हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कुछ नाम मैं दे रहा हूँ आपके उसके लिए। आदि गुरु आलार कालम, उद्रक रामापुत्र, सूरज आजाद और परम्परा शिष्य, वैसे वो हो ही गए, आनंद हो गया, अनिरुद्ध हो गया, महाकश्यप जी हो गए। महाकश्यप जी की ये कथा है, प्रचलित है, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वानी थे, कहते हैं ब्राह्मण थे, जो जी तथागत जी के पास आए थे वो सत्संग करने के लिए या कुछ दोनों में, तो उन्होंने बोला कि आप, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, तथागत जी कहते हैं कि आप जानबूझकर आप जानते नहीं उसको पूछ रहे हैं, या आप जानते हैं उसको पूछ रहे हैं, आप जानते नहीं हैं उसको पूछ रहे हैं, या आप जानते हैं उसको पूछ रहे हैं। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है, जब ये इनसे हार गए थे महाकश्यप ब्राह्मण जी, तो फिर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, भैया बौद्ध धर्म में अपना करके इसके प्रचार प्रसार का काम करने लगे थे। प्रमुख प्रचारक भी महारानी महाप्रजापति बती भी हैं, आम्रपाली हैं, अंगुली मैन हैं, और अश्वघोष जी भी हैं, नागार्जुन और असंग इत्यादि लोग हैं। विभिन्न वर्गों की उपासिका हैं, मतलब पुरुष वर्ग तो था ही, लेकिन शाक्य कुल की जो थी, जैसे उनकी सौतेली माता या लालन पालन करने वाली माता महाप्रजापती गौतमी जी, पूर्णा, शिष्या, अभिरूपा, नंदा, मित्रा, सुंदरी नंदा, राजवंश से संबंध रखने वाली सुमना जो प्रसन्नजीत साहब की बहन थी, आलविका, शैला, क्षेमा, सुमेधा, लिच्छवी जो वंश था उसकी जयंती थी, वैश्याओं में अड्डकाशी विमला, गढ़कांव में पद्मावती, आम्रपाली, आम्रपाली के ऊपर भी मैंने एक स्लाइड, आगे स्लाइड में आपको मिल जाएगी। दासी पुत्री में पूर्णिका थी, बहेलिया पुत्री में चापा थी, सुनार पुत्री शुभा थी, और जो अज्ञात हैं इनको पता नहीं है जो कौन से वर्ग से आती हैं, धीरा, बीरा, उपसमा, विशाखा, सुमना, अमतारा, शंगा, सुमंगल माता, ब्राह्मण कुल से संबंधित रखने वाली थी, मुक्ता, मैत्रका, उत्तमा, दंतका, सोमा, भद्र, कप्यालनी, नंदुत्रा, क्षत्रिय वंश से संबंध रखने वाली थी, अम मात्रा, सिंघा, वैश्य कुल से थी सुजाता। सुजाता की जो कहानी बताई वो पीपल के पेड़ के नीचे खीर खिला गई थी तथागत गौतम बुद्ध साहब को, वही सुजाता है। इसके ऊपर मैंने इससे पहले एक स्लाइड में थोड़ा बताया था। धम्म दिन्ना, उत्तमा, पटाचारा, अनुपमा, सिदासी, प्रतिष्ठित कुलीन कुल की थी, ऐसे धम्मा, अभया, उब्री, शुक्ला, सोणा, विजया, बड्डमाता, उत्पल वणा। अब थोड़ा नगरवधु आम्रपाली जी के बारे में बता देता हूँ। राजगृह से बुद्ध पाटिली ग्राम होते हुए गंगा पार कर वैशाली पहुँचे, जहाँ गढ़का आम्रपाली ने उनको भिक्षु संघ के साथ भोजन कराया। इस समय परिनिर्वाण के 3 मास शेष थे। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली ने बुद्ध की शिष्यता स्वीकार की और भिक्षुओं के निवास के लिए अपनी आम्रपाल का दान कर दी थी। साथ ही मैं आपसे निवेदन करता जा रहा हूँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट आपके स्वागत है। अगर कमेंट जितने आएंगे तो मैं इसमें कुछ अच्छी बातें और समावेश कर सकूँगा। वैसे मैंने कोशिश की है, विभिन्न पहलुओं को इसमें समाहित किया है, फिर भी कुछ रह जाते हैं तो मैं अगले वीडियो में उन पहलुओं का ध्यान रखूँगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं अगला वीडियो बनाऊँ तो उसकी जानकारी आप तक शीघ्र ही पहुँच जाए। अब अंगुलमान कौन थे, शायद आप जानते हो, तो ये अंगुलमान एक खूंखार आतंकी डाकू था। कहते हैं कि जंगल में जो भी जाता था अंगुलमान उसको, उस व्यक्ति को काट कर, मार करके उसकी अंगुली को काट के उसकी माला बना करके अपने गले में डाल लेता, इसके लिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। कहते हैं जब तथागत गौतम बुद्ध साहब उस जंगल से गुजर रहे तो अंगुलीमान उनके पीछे पीछे आवाज़ देता हुआ जा रहा था, जरा और दौड़ लगा था, भगते भगते पसीना से लथपथ हो गया।
तथागत गौतम बुद्ध साहब तो अपनी हिसाब से जा रहे थे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। जब तथागत गौतम बुद्ध साहब ने देखा ये तो परेशान हो गए हैं, तो हाँ बोलो वत्स। जैसी तथागत गौतम बुद्ध साहब को अंगुलिमाल ने देखा, उनके छक्के छूट गए, क्योंकि तथागत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें 32 महापुरुष लक्षण थे। उसको देख कर के अंगुलिमाल चौंकित रह गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे, ये तो मेरे को एक महामानव या महान पुरुष ही नज़र आते हैं। जो भी हुआ उस समय, अंततः अंगुलिमाल ने उनका बौद्ध धर्म स्वीकार किया और प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान किया। गौतम बुद्ध की शिष्य तो वैसे तो बहुत हैं, अपन पहले ही वर्णन कर चुके हैं, कुछ और भी आ रहे हैं। इसमें एक कोलियों में जो थी सुप्पावासा, बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका रही थी, और कुछ तो पहले आ गए हैं, कुछ छूट गए हैं, वो इसमें आ गए हैं। रानी भी आ गई, अंगुलिमान आ गए, उपाली आ गई। इस प्रकार से उनके बहुत लोग उपासक और उपासिकाएँ बने थे। अब तथागत गौतम बुद्ध साहब ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे, वो क्या हैं तेरा इसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, सत्य तथा असत्य को पहचानने की शक्ति होना चाहिए। सम्यक संकल्प, इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प। सम्यक वाणी, सत्य और मृदु वाणी। सम्यक कर्म, सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा इत्यादि। सम्यक आजीव, जीवन यापन का सदाचार पूर्ण व उचित मार्ग। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहने के लिए शिक्षा। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। यह उनके अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीत, जिनको अपन कहते हैं संगीत या काउंसिल्स। जब देखा गया कि बौद्ध साहब की जो दर्शन है वो सिर्फ देशना पर आधारित, देशना मतलब प्रवचनों पर आधारित है, इसका कोई लिखित आधार नहीं है, तो मतलब साहित्य के रूप में नहीं है, तो इसी बात को लेकर के प्रथम बौद्ध जो संगति हुई थी या काउंसिल बैठी थी, वो 483 ईसा पूर्व में स्थान था राजगृह, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, महापंडित, महाज्ञानी, जो बाद में तथागत जी के फॉलोअर बने, और शासन काल था उस समय अजातशत्रु साहब का। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, अध्यक्ष बने थे शावा कामी साहब, उस समय शासन था राजा काला अशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष बने थे मोगलिपुत्र तिस, और उस समय शासन काल किसका था, देखिए प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईसवी में हुई थी, यह इसका स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित्र, और राजा का नाम था सम्राट कनिष्क। इस प्रकार ये, क्योंकि उसको एक साहित्य के रूप में, तभी से ये जो जिनके साहित्य हैं साहित्य रूप में फिर बौद्ध धर्म आने लगा था। बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के कारण ही देश व विदेश के लोग इसके प्रति आकर्षित हुए। इसमें सबसे पहले तो इनके तो पाखंडवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वास से बिल्कुल दूर दूर तक नाता नहीं था। बौद्ध धर्म सभी जातियों के लिए, सभी पंथों के लिए खुला था, उसमें हर आदमी का स्वागत है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चांडाल हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो, कोई भी इसको अपना सकता है। गृहस्थों या ब्रह्मचारियों सब के लिए उसके दरवाजे खुले थे। इसमें धर्म, जात, पात, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, मतलब पूरी दुनिया में इसलिए तो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं लोग। बौद्ध शब्द का अर्थ इंसान की अंतरात्मा को जगाना है। भाई जब लोग बौद्ध धर्म के बारे में पता लगना शुरू हुआ तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लगे, और बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म को उस समय सम्राट अशोक का जो शासन काल था, पूरे अखंड भारत में लगभग लगभग बौद्ध धर्म छा गया था, और यहाँ से भारत में तो था ही, विदेशों में ही यह पहुँच गया था।
अब सिर्फ भारत में नहीं, देश विदेश के करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे हैं। महापरिनिर्वाण तो वही था जिस दिन मृत्यु हुई थी, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने परम शिष्य आनंद कह दिया था कि मैं अब महापरिनिर्वाण की ओर प्रस्थान करने वाला हूँ, तो यह महापरिनिर्वाण मृत्यु हुई थी, तो उसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन, चार सप्ताह तक बौद्ध वृक्ष के नीचे रहकर धम्म के रूप में चिंतन करने के बाद जब उनको बोधिसत्व प्राप्त हो गया था, इसके बाद उन्होंने धम्म का प्रचार शुरू किया या प्रथम उपदेश दिया था, उसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहते हैं कि जब उनका मृत्यु या महापरिनिर्वाण होने वाला था, उन्होंने आनंद को कह दिया कि हम जल्दी महापरिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे, तो 80 वर्ष की आयु में देवरिया कुशीनगर में, वहाँ वो अपने फॉलोअर, कहीं कहीं उनका नाम चुंदा आया है या कुंडा आया है नामक व्यक्ति के वहाँ पर उन्होंने जंगली, जिसको बड़फोड़ा कहते हैं, उसका रसास्वादन किया था या भोजन किया था, तो इससे उनके तबीयत ख़राब हो गई थी और वहीं पर उनको महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन इसके पहले वो कुछ यह अपने परम शिष्य आनंद जी से कह गए कि हे आनंद, उस बेचारे चुंद या कुंडा को समझाना या कहना कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका भोजन अतुल्य था, अतुलनीय था। तो इसको कहते हैं सचमुच में महामानव, कल्याणकारी, शीलता, करुणता। उन्होंने इसलिए ये बोल के गए थे कि कहीं लोग लालचन नहीं लगाएं कि उसके घर भोजन करने से तथागत जी की मृत्यु हो गई, नहीं, तो इसलिए इस आक्षेप से वो दूर हो जाए जो भी था, इसलिए वो पहले कह के चले गए थे। बौद्ध धर्म में जो महापरिनिर्वाण कहा गया है, इसी को कहते हैं मृत्यु को। बुद्ध धम्म प्रत्यक्षवाद का समर्थक रहा है हमेशा। तथागत जी का कहना था कि मेरी बात को इसलिए न मानो कि उसे बुद्ध ने कही है, उस बात पर भी संदेह करो और विविध परीक्षाओं द्वारा उसकी परीक्षा करो, जीवन की कसौटी पर उन्हें परखो, अपने अनुभवों से मिलान करो, यह तुम्हें सही जान पड़े तो स्वीकार करो अन्यथा छोड़ देना। बुद्ध धम्म रहस्याडंबरों से मुक्त है, मानवीय संवेदना से ओतप्रोत है और हृदय का सीधे सीधे स्पर्श करता है। तथागत जी ने विपस्याना ध्यान द्वारा मन को संपूर्ण राग द्वेष रहित कर देने की विद्या ढूंढ निकाली थी। हिंदू धर्म और गौतम बुद्ध सा, तथागत गौतम बुद्ध ने ब्रह्मा को कभी ईश्वर नहीं माना। तथागत जी ने आत्मा को भी स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तथागत बुद्ध ने वेदों को भी साफ तौर से नकार दिया था। वेदों का अध्ययन करना पुरुषों का दुर्भाग्य और मूर्खों का सौभाग्य है, यह वेद मृग मरीचिका के समान होते हैं। और उन्होंने क्या कहा, ये मायावी वेद प्रज्ञावान मतलब ज्ञानवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। वहीं बुद्ध ने सभी वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को समान माना।
उन्होंने अपनी बच्चियों को क्या कहा था, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो का उपदेश देकर स्वयं प्रकाश खोजने का उपदेश दिया। ब्रह्मजाल है एक, मैंने देखा है कहीं कहीं साहित्य में आया कि कहीं कहीं पर तथागत जी को वैष्णव समुदाय में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ऐसे कहा जाता है, लेकिन बौद्ध साहित्य ने इसे बिल्कुल श्री से नकार दिया है। क्यों, जहाँ पर कुछ एक नाम में समानता आई है वो नाम अलग हैं। इस उनके अनुसार बुद्ध के पिता का नाम अंजन है और उनका जन्म प्राचीन उड़ीसा अर्थात कीकट में हुआ था, जो जिनको ये भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं उनका, जबकि तथागत गौतम बुद्ध साहब के पिताजी का नाम शाक्य राजा शुद्धोधन था और उनका जन्म वर्तमान नेपाल में हुआ था। तो ये एक संयोग मात्र है, बौद्ध साहित्य ने इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। अब जब तथागत जी को महापरिनिर्वाण हो गया या उनकी मृत्यु हो गई, तो अब उनके अनुयायी कहने लगे कि हम जब उनको भस्म के अधीन कर दिया गया तो उस भस्म को उनकी जो अस्थि अवशेष है उनको पहले 8 भागों में बांटा गया। तो पहले भाग में ऐसे कुशीनगर के मल्लों ने स्तूप बनाए, स्तूप का मतलब होता है स्मृति चिन्ह के रूप में स्तूप बनाए गए। दूसरे नंबर पर मगध के नरेश अजातशत्रु, तीसरे नंबर पर वैशाली के लिच्छवियों ने को दिया गया, चौथा भाग कपिलवस्तु के शाक्यों को, एक भाग अलकप के बुलियों को, रामग्राम के कोलियों को, बेठदीप के ब्राह्मणों को, पावा के मल्लों बांट दिया, ऐसे जी 8 भाग कर दिए गए। बचे हुए जो भाग था तो अस्तित्व अलावा 2 और स्तूप बने, उसमें क्या लेख आया कि द्रोण ब्राह्मण ने कुंभ स्तूप बनवाया। कुंभ मतलब जो घड़ा रखा था ना उसका, और पिप्पल वन के मोरियों ने अंगारों का स्तूप बनवाया। तो इस प्रकार के 8 स्तूप हो गए इनके अनुयायियों द्वारा और 2 स्तूप बने, तो टोटल 10 स्तूप हो गए। अब बौद्ध धम्म में पहली जो पंथ था वो हीनयान था, इसके बाद दूसरा भी बन गया है। हीनयान का मतलब इसमें बुद्ध वचनों को ही मतलब देशना को ही प्रमाण माना गया था। हीनयान संप्रदाय के सिद्धांत सीधे साधे उसी रूप में हैं जिस रूप में तथागत जी ने उपदेश दिया था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, कोई अलौकिक या अवतारी सत्ता नहीं। हीनयान अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला है और कर्म प्रधान ही माना गया इसको। हीनयानियों ने बुद्ध की प्रतिमा बनाने की अपेक्षा रिक्त स्थान व पद चिन्ह को ही बुद्ध का प्रतीक माना, ऐसा हीनयानियों में प्रचलन है। हीनयान जो पंथ है उसमें प्रचलन है। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। दूसरा इनका जो पंथ आगे जो बना है वो महायान बना है, और महायान में सभी प्राणियों के लिए खुला था, यहाँ तक कि गृहस्थ भी इसमें अनुयायी हो सकते थे, जबकि पहले हीनयान में गृहस्थ नहीं हो सकते थे। और महायान में महिला को भी प्रवेश मिलने लगा, ऐसे पहले उन्होंने दिया था तो, और जबकि हीनयान में ऐसा है मतलब कम था, लेकिन महायान भक्त प्रधान मत है। महायानियों ने भक्त प्रधान मत है और इसी के प्रभाव से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। महायानियों ने संसार भर में बुद्ध की मूर्ति और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण कर, जो आजकल बने ऐसे ही, हमने तो जो सांची का स्तूप देखा है, तो जब मूर्तियां अस्तित्व आ गई या स्तूप आ गए तो हमको कुछ नज़र आता है, अच्छा काम किया है महायानियों ने, कम से कम तथागत जी के जो अवशेष हैं या उनकी मूर्तियों को अपन देख सकते हैं। महानियों ने ही संसार भर में बुद्ध की मूर्तियों और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया। मूर्ति के प्रचलन के कारण लक्षण के स्थान पर बुद्ध तथा बौद्ध सत्व की प्रतिमाएं बनी। कनिष्क के समय में सर्वप्रथम गंधार कला शैली में बुद्ध मूर्तियां निर्मित हुईं। अब बौद्ध
धम्म फॉलो करने वालों के लिए तीर्थ स्थल हैं ऐसे लुम्बिनी, रुक्मणदेही नेपाल, जहाँ तथागत जी का जन्म हुआ था, बोधगया, जहाँ तथागत जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ, जहाँ दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, मतलब महाधम्म चक्र प्रवर्तन, कुशीनगर, देवरिया, जहाँ पर तथागत जी को महापरिनिर्वाण हुआ, दीक्षा भूमि नागपुर, जहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ, और यह पुनरुत्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद बहुत सारे दर्शनीय स्थल, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, सन किस्सा, वैशाली, पटना, गया, कौसाम्बी, मथुरा, कपिलवस्तु, देवदाह, केसरिया, पावा, नालंदा, वाराणसी, सांची, रत्नागिरी, अजंता, एलोरा इत्यादि। देश विदेशों में बौद्ध धर्म, वैसे तो संसार में पूरे विश्व में 100 से अधिक देशों में बौद्ध धर्म प्रचलित है, लेकिन 10 जो कंट्रियां हैं उनमें इस प्रकार है कि चाइना नंबर 1 पे आता है, उसके बाद थाईलैंड है, जापान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है, साउथ कोरिया, और इंडिया भारत का 9वां नंबर आता है जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उसके बाद मलेशिया है। बुद्धस्य नमः, नमो बुद्धाय। आपको यह कैसा लगा वीडियो, क्या आपको इसमें अच्छाई नज़र आई? मैंने पहले कह चुका हूँ कि मैंने कोशिश की है, मेरा एक प्रयत्न था गागर में सागर भरने का, कि तथागत जी से संबंधित सभी पहलुओं को मैंने इसमें समाहित करने की कोशिश की है, और ज़्यादा वीडियो बड़ा वीडियो बनाता तो लोग वाक बोर हो जाते आगे के पहलुओं में, आगे के वीडियो में, और संकलित एकत्रित कर रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही कमेंट के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे से कुछ छूट गया हो या कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, उनको मैं सुधार करना चाहूँगा, तो कमेंट ज़रूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अगला जो वीडियो बना रहा हूँ जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आप तक जानकारी पहुँच जाएगी। इसी के साथ मैं तथागत जी के जो 3 ज्वेल्स हैं उसका उच्चारण करके इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे साथ बोलें, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सभी का कल्याण हो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बुद्धस्य नमः। और आप लोगों ने यह वीडियो देखा इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नीचे मेरा नंबर भी दिया है, और कुछ मेरे से गलतियाँ हो गई होंगी, क्यों मैंने बहुत सारे किताबें, पत्रिकाएँ, इंटरनेट की मदद से इस सार गर्भित ज्ञान को आपके लिए एकत्रित किया है। अगर कहीं कुछ मेरे से त्रुटियां हो गई होंगी तो मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने की, तो मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप लोगों का सबका मैं आभारी हूं कि आपने यह वीडियो देखा है। लेकिन मैं इसके साथ फिर कहना चाहूंगा कि इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो सामाजिक चिंतन पर, आध्यात्मिक चिंतन, ओनली तथागत गौतम बुद्ध साहब के चिंतन पर मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। तो आशा है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।